हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं मटन कोरमा, बिल्कुल शादी और दावतों की तरह। चलिए देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। हमने लिया 1/2 kg मटन, जिसको हमने वॉश कर लिया है। 2 teaspoon हमने रेड चिलीज ली है, 1/2 teaspoon हमने हल्दी ली है और 3 teaspoon हमने धनिया पाउडर ली है। 4 बड़ी इलायची ली है, थोड़ी सी काली मिर्ची, तेजपात, दालचीनी, 2 छोटी इलायची और जावित्री ली है और 2 बड़ी इलायची और थोड़ी सी काली मिर्च और गरम मसाला जो है हम इसको अनियन के साथ भी फ्राई करेंगे और 3 बड़ी अनियन ली है जिसको हमने चॉप कर लिया है और अभी हम इनको ग्राइंड करेंगे। चलिए बनाते हैं मटन कोरमा। सबसे पहले हम मटन को बॉइल करेंगे और इसके अंदर हम 1.5 teaspoon हम नमक डालेंगे और 250 ml के करीब हम इसका वाटर एड करेंगे और थोड़े से तेजपत्ता के पत्ते डाल दिए और 25 मिनट के लिए हम इसको फ्लेम पे रख देंगे ताकि ये जो मटन है अच्छे से गल जाए। जब मटन अच्छे से गलता है कोरमे में उतना ही टेस्ट आता है। ये देखिए हमने पानी डाल दिया और हम इसको फ्लेम पे रख देंगे। इसको आप ढक के और स्लो फ्लेम करके इसको छोड़ दीजिए। इसको हम 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाता है। अब हम अनियन को जो हमने ग्राइंड कर लिया है और देखिए 1 teaspoon हम जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है और ये चॉप अनियन ली है। सबसे पहले हम एक बर्तन में 3 बड़े चम्मच ऑयल लेंगे, उसको गरम करेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे जिसमें 1 बड़ी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च और तेजपात के पत्ते हैं और इसमें प्याज डाल देंगे यानी अनियन डाल देंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह से चलाएंगे ताकि अनियन में जो भी पानी हो वो सूख जाए। देखिए पानी इसका अनियन का सूख गया है। अब इसके अंदर हम ड्राई वाले मसाले डाल देंगे। ये धनिया पाउडर और हल्दी डाल दी हमने, साथ में हमने रेड चिली भी डाल दी और जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 teaspoon लिया हमने वो भी डाल दिया। थोड़ा सा हम इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिला देंगे। 1 cup के करीब हम पानी लेंगे, उसमें ऐड कर देंगे पानी को। मसाले को हमको मीडियम फ्लेम पर भूनना है। ऐसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मसाले को भूनते रहेंगे कम से कम 25 से 30 मिनट तक। अब हमने फ्राई पैन ले लिया है, उसमें 1 teaspoon हमने ऑयल डाला है, चॉप अनियन डाली है, इसको हम फ्राई करेंगे और साथ में इसके साथ हम गरम मसाला जो हमने लिया था वो भी डाल देंगे और उसको भी फ्राई करेंगे जब तक ये अनियन जो है ब्राउन ना हो जाए। 3-4 मिनट में ये ब्राउन हो जाती है ब्राउन। ये देखिए हो गई। इसको हम ठंडा करेंगे और इसके बाद ही हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए मसाले को ये हवा भुनने पे आ रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अगर आयल छोड़ने लगता है तो समझिए कि मसाला भुन रहा है। इस बीच में आप इसको मसाले को भी चलाते रहे अच्छी तरह से और थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के हम इसको भूनते रहेंगे। मसाला का यही कि जितना हम अच्छे से इसको भूनेंगे कोरमे का स्वाद या टेस्ट जो होता है उतना मजे का आता है। अब ये देखिए मीठा हमारा जो था मटन उबल रहा है। अब हम चेक कर रहे हैं कि गला है कि नहीं। देखिए गल गया है अच्छी तरह से, मगर फिर भी हम इसको 3-4 मिनट के लिए अभी और बॉइल करते रहेंगे ढककर
ताकि जो मटन के पीसेस हैं बाकी के भी अच्छी तरह से गल जाएं, वो टाइम पक जाए, तो जो उसका टेस्ट कौरमे का होता है और अच्छा आता है। और इसका जो सूप निकल रहा है उसको भी मसाले में डालेंगे। अब ये देखिए, हमने 1 टीस्पून हमने सफ़ेद तिल लिया है और 1 टीस्पून ये हमने मगज लिया है, इसको हम ड्राई रोस्ट कर रहे हैं यानी विदाउट ऑयल में, और इसको 3-4 मिनट तक हम भूनेंगे और फिर इनको भी ग्राइंड कर लेंगे। अभी हमारे मसाले का लुक देखिए आप, इसका मतलब ये होता है कि हमारा मसाला जो है अच्छी तरह से भुन गया है। अब हमने ये जो रोस्ट करे थे सफ़ेदी और मगज और हमने अनियन को जो फ्राई करा था उसको हम ग्राइंड कर लेंगे, इनका एक मिक्सर बन जाएगा ये देखिए। और अब इसको कौरमे का जो हमारा मसाला है उसमें हम इसको एड करेंगे, इसको ये देखिए। अब हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है, कौरमे का ऑयल जो है ऊपर आ गया है। अब हम इसके अंदर मटन के जो पीसेस हैं उसको डाल देंगे। मटन के पीसेस हम इस मसाले में डाल देते हैं, इसमें भी हम कम से कम 5-7 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह से स्लो फ्लेम को करना है। और हमने जो मिक्सर बनाया है फ्राई अनियन गरम मसाला सफ़ेद तिल मगज का, और सारे मसाले को हम इसमें मिला देंगे और थोड़ा सा हम पानी डाल के इस तो पार्ट्स में और उसको हिला के थोड़ा सा डाल देंगे। इससे बहुत ही मज़े का बनता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। ये जो टेक्निक हम आपको बता रहे हैं ये शादियों वाली है, जो शादियों में कौरमे बनते हैं दावतों में, हम बिल्कुल वैसे ही कौरमा बना रहे हैं। अब हम फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे और ढक के रख देंगे इसको 5-10 मिनट के लिए। ये देखिए, अब हमारा कौरमा बिल्कुल तैयार हो गया है, हमने खोल लिया है इसको और अब हम हरा धनिया या कोथमीर से इसको गार्निश कर देंगे। अब हम इसको सर्व कर रहे हैं कौरमे को। ये देखिए फाइनल लुक हमारा कौरमा जो है, ये रुमाली रोटी और शीरमाल मतलब ब्रेड के साथ बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगता है। आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब।